मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू यू ऑल। आप लोग अभी तक एग्जाम दे चुके होंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। इसमें कुल 50 प्रश्न थे, उसमें 10 प्रश्न मैथ और रीजनिंग के और 10 प्रश्न करंट के थे। मैं उसको अभी डिस्कस करूंगा। बाकी और अन्य प्रश्नों में भी अगर कोई परेशानी होगा तो आप हमको ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, हम वहीं पर क्लेरिफाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए देखते हैं। पहला प्रश्न जो है उसमें कहा है कि एक महिला ने पुरुष से कहा, तुम्हारी माँ, ठीक है, एक महिला जो है, एक महिला ले लीजिए कहीं पे भी, और एक पुरुष को इंगित करता है और बोलता है कि तुम्हारी माँ के पति, यानी इसका माँ कोई फीमेल होगा और उसका पति कोई मेल होगा, इसको बोलता है, ठीक है, इसकी माँ का पति का बहन, ठीक है, माँ के पति का कोई बहन है यानी फीमेल है, इसकी लगता है बुआ, ठीक है, इसकी ये बुआ है। तो अब इसका तो ये बुआ लगता है, पहले इसको हम चेक कर लेते हैं पहले क्या लगता है। तो इसका देखिए, ये इसकी माता और इसके पिता, यानी पिता की बहन, यानी इस लड़के का भी वो बुआ लगता है और इसका भी वो बुआ लगता है। अब तब क्वेश्चन पूछा है कि उस महिला का संबंध पुरुष से क्या है, तो पुरुष से इसका भी बुआ, इसका भी बुआ, तो इसका मतलब पुरुष का ये क्या है, बहन है। आंसर हो गया बहन। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन देखिए, एक सभा में एक गांव का मानचित्र इस प्रकार रखा गया है कि दक्षिण पूर्व दिशा उत्तर दिशा बन जाता है और उत्तर पूर्व दिशा पश्चिम दिशा बन जाता है। एक साधारण सा मैप जो है ले लीजिए, ठीक है, ले लिए मैप। इसमें आपको पता है कि नॉर्थ है और ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, कहता है कि दक्षिण पूर्व दिशा उत्तर बन जाता है, दक्षिण पूर्व दिशा यानी ये दिशा अब जो है उत्तर बन जाता है, ओरिजिनल मैप अब माना गया है इसको, और क्या है इसी दक्षिण और उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व ये है, उत्तर पूर्व जाना जाता है वेस्ट बन जाता है पश्चिम। तो अब देखिए, अगर ये पश्चिम है तो ये निश्चित ही क्या होगा, पूर्व होगा, और ये निश्चित ही क्या होगा, नॉर्थ है, ये साउथ होगा। अब ये मैप बन गया, अब इसको जो है ओमिट समझिए, ये जो है इसको अब समझने की जरूरत नहीं है, ये सब ओमिट हो गया। मेन अब आपका दिशा ये 3-4 हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि अगर ऐसे ही सब बदल दिया जाए तो दक्षिण दिशा कौन सी दिशा बन जाएगा। तो ये दक्षिण दिशा ये था पहले, अब ये कौन सा दिशा बन जाएगा, तो ये दोनों के बीच में दक्षिण दिशा है, ये तो ओमिट है, तो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व, तो आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व। ठीक है दोस्तों, ओके, आइए अगला क्वेश्चन। आइए, 3 नंबर में क्वेश्चन है कि बेमेल को चुने, तो बेमेल को चुनने के लिए पूछा है, तो उसमें ऑप्शन दिया है सोना, क्रोमाइट, बॉक्साइट और सिनेमा। इसमें देखिए, क्रोमाइट जो है लोहे का अयस्क है, बॉक्साइट अल्मोनियम का अयस्क है और सिनेमा पारा का अयस्क है, सोना अकेला इसमें धातु है, आंसर सोना हो जाएगा। आगे आइए, क्वेश्चन है 2, 6, 30, 2, 10 और उसके बाद व्हाट, ये 3 से मल्टीप्लाई है और ये 5 से मल्टीप्लाई है और ये 7 से मल्टीप्लाई है, तो ये 9 से मल्टीप्लाई होगा और आंसर क्या हो जाएगा, 1890। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचिंग को चीटिंग कहा जाए तो ऐसे लिख लीजिए, टीचिंग को देखिए, टीचिंग को चीटिंग कहा जाता है, इसका कोड ही क्या हुआ है, कैसे कोड क्या है इसको समझना है। यहां से यहां तक 3 कोज है, एकदम स्थिर रखा है, अब बाकी सब का कोड खाली देख लीजिए, सी 4 नंबर पे था, एच 5 नंबर पे था, ई 2 नंबर पे था, ए 3 नंबर पे था और टी 1 पे था, बस इतना सा ही करना है, उसके बाद अपने आप आपका निकल जाएगा। क्वेश्चन कहता है ग्रेडियंट है ना, जी आर ए डी आई ई एन टी, ई एन टी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, ई एन टी जैसे कहा है वैसे उतार दीजिए, क्योंकि उधर भी 3 डिजिट में कोई फर्क नहीं पड़ा, ये इसी सीरीज से आएगा, पहले 4 तो 4 नंबर पे डी, उसके बाद 5 नंबर पे आई, उसके बाद कितना, 2 नंबर पर आर, उसके बाद 3 नंबर पर
ए और उसके बाद ए जी, तो ये हो गया टोटल मिलके आंसर, डी आई आर ए जी ई एन टी। ठीक है, आइए अब कहता है कि 48 मीटर तार को मोड़ करके एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। ठीक है, तो उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? दोस्तों एक बात बताते हैं, मेंसुरेशन में कभी भी अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो अगर लंबाई की बात करें और उसी को अगर मोड़ के या जोड़ के बनाया जाए तो उसके पेरीमीटर के ही बराबर होगा ना। 48 मीटर कोई तार था, 48 मीटर तार को मोड़ा और समबाहु त्रिभुज बनाएगा, ये टोटल 48 मीटर होगा तीनों भुजा मिलकर के पेरीमीटर। और आपको जानते हैं समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, पेरीमीटर बराबर होता है, तो पेरीमीटर बराबर होता है तो 48 को कैसे तोड़िएगा, 16 16 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर का बन गया इसका भुजा, किसका, समबाहु त्रिभुज का, क्योंकि कुल कितना था 48 सेंटीमीटर था, 48 सेंटीमीटर तार को ऐसा बना दिया। अब जो है समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर, ए मतलब भुजा, तो √3/4 ए का मतलब 16 और गुना 16, इसको काटिएगा तो 64√3 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, 64√3 हो गया। अब आइए क्वेश्चन कहता है दो संख्याएं एक्स और वाई तीसरी संख्या जेड से क्रमशः 20% और 28% का क्या है, कम है, तब जो है वाई एक्स से कितना परसेंट कम होगा। बहुत आसानी से बनेगा, देखिए ये एक्स है ये वाई है और जेड है, मान लिया जेड का संख्या 100 था, तो उसके बाद क्या बोला कि 20% कम है कौन, एक्स, तो ये 80 हो जाएगा, वाई 28% कम है तो 72 हो जाएगा। अब फर्दर क्वेश्चन ये पूछा है कि वाई एक्स से कितना परसेंट कम है, तो वाई एक्स से कितना कम है, 8 कम है, कितना में कम है, 8, 80 में कम है, तो 100 में कितना होगा, इसका मतलब आंसर 10 होगा। ठीक है, चलिए आगे चलिए। अब कहता है निम्न में से छोटा कौन है, जैसे कि 4/5 है, ठीक है, 6/7 है, 8/9 है और 9/10 है। तो पहले तो एक चीज बताऊं, इसको छोटा और बड़ा करने के लिए आप इसको डिवाइड करके देखिएगा, डेसिमल किसका बड़ा हो गया, वो एक तरीका है। दूसरे बात क्या है कि इसको है आप क्रॉस मल्टीपल करके दो को रख करके देख सकते हैं, जैसे कि 7/4 = 28 हो गया और ये 5/3 = 5/6 = 30, तो जिसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऊपर जाएगा, जैसे ये 30 हो गया तो इसके सामने वाला यानी कि ये जो है इससे बड़ा माना जाएगा। उसी प्रकार से अगर इसको देखिएगा 8/7 = 56 हो गया और इधर से जो है 9/6 = 54 हो गया, तभी देखिए ये बड़ा हो गया, तो यानी कि ये इससे बड़ा हो गया। अच्छा अब इसको अगर देखेंगे तो 9/9 = 81 हो गया, 10/8 = 80 हो गया, तब ये इससे बड़ा हो गया, तो एक तरीका ये भी है। तो इससे क्या हो गया, सबसे बड़ा ये है तो सबसे छोटा 4/5 हो गया। इसके बावजूद भी एक चीज बताता हूं कि यदि हर जो है अंश से ज्यादा रहे और सभी का अगर डिफरेंस बराबर रहे, जैसे देखिए सबका डिफरेंस बराबर है 10 - 9 = 1, सब में 1 का डिफरेंस है, तो इस स्थिति में आप सीधा कर सकते हैं, जो दिखने में बड़ा लगे वो सबसे बड़ा होगा और जो दिखने में छोटा लगे वो सबसे छोटा होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है कि 400 वर्षों में फरवरी का 29 दिन नहीं आएगा यानी लीप ईयर नहीं आएगा, कितना लीप ईयर जो है 29 दिन का देखिए 400 वर्षों में कितना लीप ईयर आएगा हमको ये देखना है। तो 400 वर्षों में लीप ईयर आने के लिए आप ध्यान दीजिएगा, तो 400 वर्षों में अगर 4 से भाग दीजिएगा तो सबसे पहले तो 100 लीप ईयर आना चाहिए नियम तक, क्योंकि लीप ईयर का डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं 4 से भाग देते हैं। लेकिन आप लोगों को कैलेंडर बनाते समय भी बताए थे कि यदि शताब्दी का वर्ष होगा तो वो जो लीप ईयर होगा वो 400 से डिवाइड होना चाहिए, 400 से भाग लगेगा तभी वो क्या होगा लीप ईयर होगा, 400 से भाग नहीं लगेगा शताब्दी के ईयर में तो लीप ईयर नहीं होगा। अब कोई भी 400 400 साल आप ले लीजिए, मान लीजिए हम 400 साल ऐसा ले लेते हैं 2000
हमें प्लस 400 करते हैं यानी 2400, ठीक है। तो 2400 2000 के बीच में आएगा, एक तो 2100 आएगा, एक 2200 आएगा और एक 2300 आएगा। ये तीन गो शताब्दी का ईयर आएगा। जब तीन ये शताब्दी का ईयर आएगा, इस तीन शताब्दी ईयर को लीप ईयर तो काउंट नहीं किया जाएगा। हालांकि ये 4 से कटता है लेकिन 400 से नहीं कटता। तो ये तीन शता ये जो लीप ईयर नहीं होगा, ये तीन और तो 100 तो होना ही था और तीन नहीं होगा, तो 100 माइनस 3 इज इक्वल टू 97, यानी कि जो लीप ईयर की संख्या होगा वो 97 होगा 400 साल में, ठीक है। और यही वजह है कि ग्रेगरियन कैलेंडर जो है जूलियन कैलेंडर से ज्यादा सटीक बैठा, ठीक है। आगे हम जो है करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है कि प्रथम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय स्तरीय खेल जो भुवनेश्वर में हुआ, उसमें टॉप कौन किया? इसमें टॉप किया था पंजाब यूनिवर्सिटी और दूसरे नंबर पर रहा था सावित्री फुले यूनिवर्सिटी, ठीक है। आइए, वह देश जो दुनिया में पहला बना कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री कर दिया, इसका आंसर है यूरोप का 7वां सबसे छोटा देश लग्जमबर्ग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है जादव पेयोंग, जो कि 30 सालों से वन लगा रहा है, जंगल लगा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने 10 बैंकों को मर्ज करके कितने बैंक बनाने की घोषणा किया है? तो ये 4 बैंक बनाने की घोषणा किया गया है, ठीक है। इसमें बता दें कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ये सब को मिला के पंजाब नेशनल बैंक बना दिया जाएगा और सिंडिकेट बैंक को जो है केनरा बैंक बना दिया जाएगा। उसी प्रकार से इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक के साथ मर्ज कर दिया जाएगा और साथ ही साथ आंध्रा बैंक कारपोरेशन बैंक को मिला करके यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बना दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है कि गैरसन जो चर्चा में है आजकल वो क्या है? तो ये बनाया गया है उत्तराखंड का जो है ये द्वितीय राजधानी बनाया गया है जो चामोली डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। नमस्ते इंडिया, नमस्ते ओरछा, नमस्ते ओरछा जो फेस्टिवल है वो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, यस बैंक को बचाने के लिए भारत सरकार ने क्या क्या अभी हाल फिलहाल ग्रांट दिया था? तो यही बैंक अभी खतरे में था, इसको भारत सरकार बचाने की कोशिश किया है, ठीक है। अब आइए कि वह व्यक्ति जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में पीएचडी किया था और जो है अपोलो द्वितीय के समय जो कैलकुलेशन किया था वो कंप्यूटर के कैलकुलेशन के बिल्कुल बराबर था, वो व्यक्ति कोई दूसरा नहीं, हमारा जो है भारत का आइंस्टीन डॉक्टर वशिष्ठ नारायण, जो बिहार के थे, वो हाल फिलहाल में उनका निधन हो गया है। तो आंसर होगा इनका वशिष्ठ नारायण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोसी मेची परियोजना के लिए भारत सरकार ने 4900 करोड़ रुपया का ग्रांट किया है। ये बिहार की जो एक प्रकार से शोक नदी है कोसी को मेची नदी से जोड़ने की योजना है, जैसे कि पूर्व में केन और बेतवा नदी के साथ करने का प्रावधान था उसी को फॉलो किया गया है। इससे क्या होगा कि कोसी नदी का जो बाढ़ वाला पानी है जिससे हमको बाढ़ आता है उस पानी को डाइवर्ट कर दिया जाएगा मेची नदी में, और उस नदी में मेची नदी जो महानंदा की सहायक नदी है उस नदी में वो जब जाएगा तो वहां जहां पानी नहीं है तो लोगों को उससे सिंचाई होगा, यानी दोनों ही काम होगा। ये बहुत ही सराहनीय कदम, ठीक है। आगे आइए तो नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स से बिहार का जो स्थान 21 बड़े राज्यों में क्या है? तो ये 21 बड़े राज्यों में 20वां है। अगला क्वेश्चन है कि एक सेमी सर्किल मतलब अर्धवृत्त का परिधि, अर्धवृत्त का जो है परिधि जो है ये परिधि यानी ये दूरी और ये सब मिलके दूरी परिधि इसको बोलते हैं। तो परिधि इसका जो है 36 सेंटीमीटर है, ठीक है दोस्तों। तो अर्धवृत्त का जो परिधि होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है परिधि का, इसका होता है पाई आर प्लस 2r, या तो d बोल दीजिए या तो 2r बोल दीजिए। तो पाई आर प्लस 2r होता है परिधि। अच्छा, इसमें r अगर आप कॉमन ले लीजिए तो पाई प्लस 2 हो जाता है, और अगर इसको r को रहने दीजिए 22/7 आप प्लस 2 कर लीजिए तो r इंटू 36/7 हो जाएगा। इसको हल करिएगा तो इतना हो जाएगा, यानी इतना इज इक्वल टू इतना है। तो प्रश्न से अगर करिएगा तो क्या हो जाएगा, 36/7 r इज इक्वल टू 36,
तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेवन। जब आर सेवन हो गया तो एरिया क्या निकलेगा, किसका, वृत्त का एरिया अगर निकालना है तो वृत्त का एरिया आप लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, और पाई का मान कितना 22/7 गुना 7 गुना 7, ठीक है, ये कट गया, 7 से मल्टीप्लाई करेगा तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है, यानी 154 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा आगे क्वेश्चन कहता है कि कोई मंकी है जो एक घंटा में 3 मीटर चढ़ता है और 2 मीटर फिसल जाता है, तो इसको थोड़ा सेंस से बनाना है, बहुत आसानी से बन जाएगा। मान लिया 30 मीटर का एक कोई खंभा है, देखिए ये 30 मीटर का खंभा है, कितना मीटर है, 30 मीटर है। मंकी यहाँ से चढ़ना शुरू करता है, ये 3 मीटर पे चढ़ता जरूर है लेकिन फिसल जाता है उसी घंटा में, 3 मीटर चढ़ता है और फिसल जाता है 2 मीटर, यानी एक घंटा में वो 1 मीटर चढ़ता है, एक घंटा में 1 मीटर चढ़ता है। चढ़ते चढ़ते अगर वो 27 दिन, अगर 27 घंटा चढ़ा, ठीक है, तो 27 मीटर तो चढ़ जाएगा। 28वां दिन क्या करेगा, ये 3 मीटर यहाँ चढ़ जाएगा, इसके ऊपर बैठ जाएगा वो, तो फिर वो गिरने का सवाल नहीं। तो इसका मतलब है 27 दिन में 27 मीटर, 28वां दिन में 3 मीटर, 3 मिलकर हो जाता है 30, यानी अर्थात डेट कितना होता है 28 दिन। ठीक है दोस्तों।